से स्काउट कर लिया, जो शॉट्स है वो लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर एक अच्छा नॉक आता है ना गलती से भी अगर गोब्लिन ओवर इस समय, क्योंकि चार फिनिशर्स इनके नाम भी आ चुके हैं, बट उससे पहले टीम ऑरेंगुटेन से पहले ना टीम सोल को इस चुनौती से यहां पर जो निपटना पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर्स ये ग्रेनेड्स पे जो ग्रेनेड्स हैं स्पैम करे जा रहे हैं, और गोब्लिन कितनी ज्यादा देर तक अपने आप को न्यूट्रलिटीज के साथ यहां पर बचा के रख पाएंगे ये देखने वाली बात है। बट फाइनली ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मोलोटॉक जो है गोब्लिन के लग चुकी है, बट जैसे तैसे करके मोलोटॉक से यहां पर बचेंगे। बट लेट्स सी कितनी ज्यादा जल्दी ऐसे ग्रेनेड्स आएंगे, और वेल आदित्य द मैन विद द गोल्डन हैंड यहां पर बोला जाएगा, अमित को पूरी तरीके से टेक डाउन कर दिया। नियो स्टिल अभी भी सिमेंट्री ये यहाँ पर अराउंड यहाँ पर वेट कर रहे हैं, गोब्लिन स्क्वाड हाउस के अंदर रहेंगे। लेट्स सी क्या ऑल इन अटैक के साथ पहले गोब्लिन को टेक डाउन करना प्रीफर करते हैं या फिर नियो को, नियो के पास ऐसे में यहाँ पर जाना पूरी तरह से उचित समझेंगे। बट गोब्लिन ऐसे में यहाँ पर जो सिमेंट्री की तरफ वापस से जाएंगे और नियो को एक बार ऐसे में यहाँ पर ज्वाइन करते नजर आएंगे। थोड़ा सा फाइट्स में जो डिले देखने को मिलेगा एक स्मार्ट मूव बोला जा सकता है टीम सोल गोब्लिन की तरफ से। एंड लेट्स सी गोब्लिन क्या यहाँ पूरी तरीके से जारी, बट वंस अगेन अगर बात करते हैं हमें इस समय टेक डाउन, नियो भी टेक डाउन है, गोब्लिन भी एकमात्र गोल्डन एचपी ऐसे में बात की जाए जो जीवित है वो रहने वाले जो शॉट से लिए जा रहे बेहतर तरीके से, एक नहीं दो नहीं तीन तीन प्लेयर्स को इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसे में यहां पर जो है टेक डाउन कर दिया। एंड गोब्लिन आई कैन नॉट बिलीव व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, बट टीम ऑरेंगुटान एट द सेम टाइम वो भी यहां पर चेस करते हुए नजर आ जाएंगे, और गोब्लिन लेट्स सी कितनी ज्यादा देर तक अपने आप को बचा कर रख पाते, क्योंकि रिवाइवल की प्रक्रिया तो अब ऐसे में यहां पर नहीं कंप्लीट हो पाएगी। वेल ऑलरेडी जो प्लेयर्स हैं वो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, बट गोब्लिन स्टिल यहां पर एक नहीं दूसरे